वेलकम ऑल टू माय चैनल, आई एम तनुजा ठकवाल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य नमस्कार कैसे बेनिफिशियल है पीसीओएस और थायराइड जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। कैसे हम इस हार्मोनल इम्बैलेंस को अंडर कंट्रोल कर सकते हैं बाय डूइंग सूर्य नमस्कार। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीओएस एंड थायराइड है क्या, पीसीओएस एंड थायराइड में होता क्या है। पीसीओएस, पीसीओएस इज अ पॉलीसिस्टिक ओवरीज। एक नॉर्मल ओवरी में हर महीने एग ओव्यूलेशन होता है, बट इन प्लेस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज हर महीने एग ओव्यूलेशन नहीं होता। इन प्लेस ऑफ दैट एग की जगह पे सिस्ट हो जाते हैं। अभी ये सिस्ट क्या है, सिस्ट पानी के गोले हो जाते हैं, इसकी वजह से एक फीमेल का एग ओव्यूलेशन नहीं हो पाता और उसी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें एक फीमेल को आती हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो जाती है, वेट गेन का प्रॉब्लम होता है और इवन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होने लगता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस और ज़्यादा दिक्कत देता है। इवन एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ दिखाई देती है एंड इवन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी दिखाई देती है पीसीओएस में। अब हम बात करते हैं कि थायराइड क्या है, थायराइड से क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक फीमेल को। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है हमारे नेक पे, दैट इज़ कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो ओवर एक्टिव एंड अंडर एक्टिव हो जाते हैं। ओवर एक्टिव इन प्लेस ऑफ हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड में वेट गेन का प्रॉब्लम होता है एंड हाइपरथायराइड में वेट लॉस का प्रॉब्लम होता है। तो ये होता है थायराइड में और इस एंड इवन बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी फीमेल को फेस करनी पड़ती हैं, जैसे थायराइड में भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, साथ ही साथ वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, हाइपरथायराइड में वेट लॉस का प्रॉब्लम भी होता है, हेयर लॉस हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी होता है। ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। मैं बताने वाली हूँ किस प्रकार सूर्य नमस्कार करके आप अपने इस हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में ला सकते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है इस हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से वो सब अंडर कंट्रोल हो सकती हैं। आप लोगों के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि पीसीओएस एंड थायराइड कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसे आप अंडर कंट्रोल कर सकते हैं बाय डूइंग सूर्य नमस्कार। नमस्कार के बहुत से फ़ायदे हैं फॉर पीसीओएस एंड थायराइड। सूर्य नमस्कार करने से आपके इम्बैलेंस हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, अंडर कंट्रोल हो जाते हैं। जिन फीमेल को दिक्कत होती है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की, उनकी साइकिल रेगुलर हो जाती है। जिन फीमेल को वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, उनका वेट लॉस हो जाता है। इवन सूर्य नमस्कार करने से आपका स्ट्रेस भी इम्प्रूव होता है और साथ ही साथ हेयर फॉल हेयर लॉस पिम्पल एक्ने का प्रॉब्लम भी सही होता है। फीमेल को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उन लोगों के लिए सूर्य नमस्कार इज़ दी बेस्ट एक्सरसाइज। तो आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार और सन सैल्यूटेशन, इसमें 12 पोज होते हैं और इन पोज को आप स्टार्टिंग में 4 सेट कर सकते हैं और 12 सेट तक आप इन्हें कर सकते हैं। स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। सारे पोज को करने के लिए आपको इमेज को ध्यान से देखना है, उसी तरीके से अपनी बॉडी को लाना है। तो फर्स्ट पोज है प्रेयर पोज, विच इज़ प्रणाम आसना। इसको करने के लिए आपको सीधे खड़े होना है मैट पे, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल रेज योर आर्म्स एंड एक्सहेल करते हुए अपने हैंड्स को फोल्ड करना है इन अ प्रेयर पोजीशन। सेकंड पोज इज़ रेज्ड आर्म पोज, विच इज़ हस्तो आसना। इसे करने के लिए आपको इनहेल करते हुए अपने आर्म्स को ऊपर करना है एंड स्लाइटली लीन बैकवर्ड एंड ट्राई टू स्ट्रेच योर होल बॉडी। आप स्टार्टिंग में ज़्यादा लीन बैकवर्ड की तरफ मत करना, इससे आपकी मसल्स में पेन हो सकता है। ट्राई टू डू इट स्लोली सो दैट इट विल बी गुड फॉर यू। नेक्स्ट पोज इज स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड पोज, विच इज़ हस्तपादासना। इसमें आपको जैसे ही आप एक्सहेल करें आपको बैंड होना है आगे की तरफ, अपने आर्म्स को नीचे लाना है, अपने फीट के बगल पे रखना है एंड याद रखना है कि आपकी नीज स्ट्रेट हो और स्पाइन बिल्कुल सीधी हो। नेक्स्ट पोज इज इक्वेस्टेरियन पोज, विच इज़ अश्व संचलासना। इसमें आपको इनहेल करना है, अपने लेफ्ट लेग को पीछे फैलाना है, जितना हो सके उतना फैलाना है और अपने राइट नी को फोल्ड करना है
राइट चेस्ट के बिल्कुल पास रखना है, अपने हैंड्स को फ्लोर पे रखना है, अपने फिंगर्स को फैलाना है, ऊपर की तरफ देखते हुए अपने नेक को बैंड करना है और थोड़ा सा पीछे करना है। नेक्स्ट पोज इज स्टिक पोज विच इज दंडासना। इस आसन को करने के लिए आपको अपनी बॉडी को सेम इसी तरीके से लाना है जैसा मैंने इमेज में दिखाया है। सांस अंदर करनी है, अपने राइट लेग को भी पीछे करना है और अपनी बॉडी को इस तरीके से लाना है कि स्ट्रेट लाइन बन सके और अपनी बॉडी को फ्लोर के बिल्कुल पैरेलल रखना है। नेक्स्ट पोज इज सल्यूटिंग विद 8 पार्ट्स विच इज अष्टांगना नमस्कार पोज। इस पोज के लिए भी आपको सेम जो इमेज में मैंने दिखाया है वैसे ही अपनी बॉडी को लाना है, अपने नीज को फ्लोर पे रखना है, सांस बाहर करनी है, अपने चिन चेस्ट हैंड और फीट को ग्राउंड पे रखना है, अपने बैक और एब्डोमेन को हाई करना है। नेक्स्ट पोज इज कोबरा पोज विच इज भुजंगासना। इस आसन को भी आपको सेम इसी तरीके से अपनी बॉडी को लाना है जैसा मैंने इमेज में दिखाया है। अपने पाम्स को चेस्ट के बगल में रखना है, इनहेल करते हुए अपने हाथों में प्रेशर लगाकर अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। नेक्स्ट पोज इज डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज विच इज अधोमुखा सर्वासना। इसमें सेम इमेज की तरह अपनी बॉडी को आपको लाना है, अपने पाम्स और फीट को उसी जगह पे रखना है, एक्सहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ करना है जिससे आपका वी बन जाए और स्ट्रेट करना है अपनी एल्बोज और नीज को नेवल की तरफ देखते हुए। नेक्स्ट इज इक्वेस्टेरियन पोज विच इज अश्वसंचासलना। इसमें आपको पहले के तरफ जाना है, पहले आपने लेफ्ट फुट फॉरवर्ड किया था, इसमें आपको राइट फुट फॉरवर्ड करना है, अपने लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है जितना हो सके। नेक्स्ट पोज इज हैंड टू फुट पोज विच इज हस्तपादासना। इसमें आपको अपने राइट फुट को सेम लेफ्ट फुट के बगल में रखना है और अपने हैंड्स को सेम इसी तरीके से रखना है जैसा इमेज में दिखाया है। नेक्स्ट पोज इज रेज्ड आर्म पोज विच इज हस्ता उत्तासना। इसमें आपको इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, अपने पाम्स को जोड़ना है और अपने आर्म्स को अपने हेड के ऊपर रखना है और नीचे की तरफ बेंड होना है, जैसे आपने जो स्टेप किया था नंबर 2 पे वैसे ही करना है। दिस इज लास्ट पोज, प्रेयर पोज और प्रणाम आसना पोज। इसमें आपको अपने पाम्स को होल्ड करना है एंड अपने चेस्ट के फ्रंट पे रखना है। तो ये सभी पोज आपको एक साथ करने हैं। आप स्टार्टिंग में 4 सेट्स करिए, देन 12 सेट तक आप जा सकते हैं। एंड ज़्यादा स्ट्रेच मत करिए मसल्स को स्टार्टिंग में, धीरे धीरे ही करिएगा। गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, सी यू।